नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के सारे दरवाजे बंद हो जाने के बाद भी भाजपा नेताओं के दावे पर जदयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने झन्नाटेदार जवाब दिया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि नीतीश कुमार से अलग होने के बाद से भाजपा भारी परेशानी में है। भाजपा को हर पल नीतीश कुमार की जरूरत महसूस हो रही है। यही कारण है कि भाजपा के लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं, पर उन्हें पहले ये बताना चाहिए कि उनके दरवाजे पर आखिर खड़ा कौन है। भाजपा के दरवाजे पर जाने की बात तो दूर, हम लोग तो उधर झांकने में भी कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं। दरअसल बीजेपी के अमित शाह, जेपी नड्डा, सुशील मोदी, सम्राट चौधरी समेत कई नेता ऐसा बोल चुके हैं कि अब नीतीश कुमार को कभी साथ नहीं लाएंगे। जेपी नड्डा ने यह भी कहा था कि बहुत हो गया, दूसरों को कंधों पर बिठा के अब नहीं लेके चलना है। विजय चौधरी पार्टी मुख्यालय में आयोजित मिलन समारोह में बोल रहे थे। भाजपा को छोड़कर कई नेता जदयू में शामिल हुए हैं। शामिल होने वालों में भाजपा नेता सह विद्यापति प्रखंड के प्रमुख मनीष कुमार यादव, उप प्रमुख मृत्युंजय कुमार, पूर्व मुखिया रमाकांत राय और मोहम्मद जाकिर आदि मुख्य हैं। इस मौके पर विजय चौधरी ने कहा है कि हम लोगों ने साफ कर दिया है कि जदयू इंडी गठबंधन, इंडिया गठबंधन में पूरी मजबूती से जुड़ा हुआ है। आगे यह गठबंधन और मजबूत होगा। एक तरफ भाजपा के सहयोगी दल कहते हैं कि एनडीए गठबंधन में अगर नीतीश कुमार आएंगे तो उनका स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी भी कई बार ये कह चुके हैं। इसका मतलब है कि उनके दलों से, जो उनके एनडीए के सहयोगी दल हैं, उनसे ये बात कहवाया जा रहा है कि नीतीश कुमार आना चाहे तो एनडीए में आ सकते हैं। लेकिन भाजपा झूठ मूठ का ढिंढोरा पीट रही है कि नहीं भैया, हम तो नीतीश कुमार को किसी भी हाल पर नहीं लेंगे, उनको कभी भी शामिल नहीं करेंगे। यही बात भाजपा पहले भी कहती थी, जब 2015 में जब नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ महागठबंधन में चुनाव लड़े थे और भाजपा को 100 सीटें भी नहीं आई थी, भाजपा 100 के अंदर सीटों पर सिमट गई थी, महागठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला था, तब भी भाजपा ने यही कहा था कि अब नीतीश कुमार ऐसे हैं वैसे हैं फलाना ढमकाना। लेकिन फिर जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़कर बीजेपी में शामिल की तो एकदम आरती की थाल लेकर भाजपा खड़ी हो गई थी, आइए महाराज हमारे किले में आपका स्वागत है। और एक बार फिर जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी है तो कह रही है हम नहीं लेंगे। तो राजनीति में भाजपा का स्टैंड आज तक क्लियर नहीं रहा है। बिहार में जातीय जनगणना का उसको काट नहीं दिख रहा है, क्योंकि बिहार में जातीय जनगणना करवाकर नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। आज खुद नीतीश कुमार ने भीम संसद के वाहनों का, गाड़ियों को भी रवाना किया ताकि वो गांव-गांव घूमकर दलितों के उत्थान और उसके जो स्थितियां है उसका जायजा ले सकें। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव ने जो जातिगत स्ट्रोक खेला है जिसमें मुसलमानों की आबादी 17.7% दिखाई गई है, यादवों की आबादी को 14% दिखाया गया है, पिछड़ों की आबादी को भी काफ़ी संख्या में दिखाया गया है, ये तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं। अब भाजपा जहां नरेंद्र मोदी दलितों के पैर धोकर दलित वोट बैंक लेने की कोशिश कर रहे थे, वहीं नीतीश कुमार ने दलितों के वोट को सामने रखकर, गिनती को सामने रखकर ये स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा की मानसा क्या रही है। ठाकुर विवाद से भाजपा को काफ़ी नुकसान हुआ है। भाजपा ने बढ़ चढ़ कर आनंद मोहन का समर्थन किया था जिससे ये साफ संदेश गया था कि भाजपा एक सवर्ण मानसिकता की सोच वाली पार्टी है। लेकिन वहीं अब लालू प्रसाद यादव ने एक तरफा एकदम कट्टर तौर पर वो खड़े रहे थे कि नहीं, मनोज झा ने जो कहा वो ठीक था। तो आरजेडी पूरी तरह से गेम बदल चुकी है। बिहार में भाजपा बहुत कमजोर हो चुकी है और जातीय जनगणना के आंकड़ों के बाद तो ये बिलबिलाहट साफ दिखाई दे रही है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपको क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे थे प्रकाशवाणी को। चैनल को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिएगा। नमस्कार, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रकाशवाणी। जय बिहार सरसों तेल, सस्ता नहीं कुछ अच्छा खाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। जैसा कि त्योहारों का सीजन चल रहा है और हर कोई चाहता है कि उनके दुकान पर ज्यादा ग्राहक आए, उनका बिजनेस बढ़े, क्योंकि ये जो 3-4 महीने हैं, लगन होगा उसके, त्योहारों के बाद लगन आएगा और जम के लोग शॉपिंग करेंगे। तो इस मौके पर अगर आप चाहते हैं कि हम आपके दुकान, आपके ब्रांड का प्रचार कर दें, लोगों तक पहुँचा दें, हमारे व्यूअरशिप है, पिछले महीने हमने 10,01,000 लोगों तक अपनी चैनल को पहुँचाया है, अपने वीडियोज को पहुँचाया है, वैसे भी 5-6 लाख व्यूअर हमारे पास हर महीने हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि प्रकाशवाणी आपका प्रचार करें, आपके दुकान आपके ब्रांड को लाखों दर्शकों तक पहुंचाए, तो हमसे संपर्क कीजिए। त्योहारों का सीजन है, कहीं देर ना हो जाए। प्रकाशवाणी से प्रचार करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रकाशवाणी। धन्यवाद।